हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल, माय व्यूअर्स। सो गाइस, आज यहाँ पे जो रीडिंग मैं करूँगी आप लोगों के लिए, उसका टॉपिक है योर फ्यूचर इन लॉस डिटेल्स। तो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि आपके जो होने वाले इन लॉस हैं, सास ससुर जो हैं, वो कौन होंगे, कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा रहेगा, वो आपके साथ कैसे बर्ताव करेंगे शादी के बाद, सब कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, पहली बात मैं बता दूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। मेल्स फीमेल्स हर कोई मेरे इस रीडिंग को देख सकते हैं, और ये रीडिंग टाइमलेस रहेगा, जनरल रीडिंग भी है, ठीक है ना। तो गाइस, पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन से कार्ड्स आए हैं, उसके बाद जानते हैं सारी डिटेल्स आपके इन लॉस के बारे में। माय व्यूअर्स, सारे जो कार्ड्स हैं मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आप लोग देख लो अच्छे से। टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है जो कि अपराइट पोजीशन में है, फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड है जो कि रिवर्स में है, और कुछ एक्स्ट्रा कार्ड जो है वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। पहली बात गाइस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपके इन लॉस होंगे वो एक्चुअल में थोड़े ज़रूरत से ज़्यादा ही ट्रेडिशनल किस्म के इंसान होंगे, ठीक है। उनके लिए समाज सोसाइटी क्या बोलता है वो मैटर करता है, उनके लिए उनके नेबर्स क्या कहते हैं, इन शॉर्ट लोग क्या कहते हैं, वो थोड़ा मैटर करता है। वो लोगों को देख के चलते हैं, उनके लिए उनका नाक ऊंची रहना ज़रूरत है। तो इस तरह का उनका थोड़ा नेचर रहेगा, जहाँ पे कि वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। सो गाइस, आई नो, मैं ये कार्ड्स देख के मुझे खुद को इतना अच्छा फील नहीं हो रहा है जब मैंने ये सब देखा। तो मुझे पहले पहले ऐसा लग रहा है कि जब आप शादी करके आओगे, कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा बर्डन आएगा, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, दैट डजंट मैटर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो सास ससुर होंगे ना, वो कहीं ना कहीं उन्हें वो लोग चाहते होंगे कि आप भी उनकी तरह बनो, जैसे वो दुनिया को पकड़ के चलते हैं, समाज सोसाइटी को पकड़ के चलते हैं, आप भी वैसा ही बन जाओ। क्योंकि मुझे अभी जो दिख रहा है, आप लोग जो हो माय व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात के, जहाँ पे कि समाज सोसाइटी से परे आप सोचते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, एंड आपका सोच जो है ना, वो आपके इन लॉज को थोड़ा खटकेगा। दे ऑलवेज टेल यू कि थोड़ा लोग क्या कह रहे हैं, वो सोच के करो का सारा काम, लाइक दैट। तो आपके बनेगी नहीं, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं बनेगा आपका। थोड़ा बहुत नोक झोंक ये सब चलेगा, जब घर पे मेहमान आते हैं बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे वो आपके साथ, लेकिन जब आप अकेले हो उनके साथ, तो उस टाइम पे वो थोड़ा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि देखो हम लोग जैसे रहते हैं तुम्हें वैसे ही रहना है, लाइक दैट। और कहीं ना कहीं आपको वो सब चीज़ें पसंद नहीं आएगी और आप घर छोड़ के चले जा रहे हो। इस तरह का कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आपके स्पाउस, जिन्हें सारी सच्चाई का पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड उसके बाद जाके मुझे दिख रहा है कि वो सब कुछ सॉर्ट आउट करते हुए, जहाँ पे कि वो थोड़ा अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करेंगे कि आप उसे अपनी तरह बनाने की कोशिश मत करो, थोड़ा आप लोग आप बड़े हो, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ आप सारी सिचुएशन को हैंडल करो, एंड थोड़ा पेशेंटली हैंडल करो। वो हमारी तरह नहीं बन सकती है, या फिर वो हमारी तरह नहीं बन सकता है, वो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, लाइक दैट, ठीक है। आप इंटरफेयर मत करो उसके लाइफ में। तो इस तरह से आपके स्पाउस सब कुछ संभालते हुए मुझे दिख रहे हैं, एंड उसके बाद जाके आप फिर से घर वापस आ रहे हो, और जब आप वापस आओगे उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। आपके इन लॉस आपके ऊपर थोड़ा, जो हमेशा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते रहते थे कि हमारी तरह बनो, लोग क्या कहते हैं वो सुनो, तो ये सब वो बिहेव करना बंद कर देंगे, क्योंकि उसके बाद उन्हें समझ में आ गया होगा कि शायद हम ज़्यादा कुछ उसको
बोल रहे थे, उसका खुद का मर्जी है, हम ऐसे थोपेंगे उसके ऊपर सब कुछ तो सही नहीं है। तो गाइस उसके बाद जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक फेज जहाँ पे कि आप इंजॉय करोगे अपने मैरिटल लाइफ को उस दौरान, क्योंकि उसके बाद से आपके इन-लॉज जो है वो आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालेंगे कि आप हमारी तरह बनो। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके इन-लॉज आपके सोलमेट हैं, लेकिन वो थोड़ा अपना रास्ता भटक गए होंगे, ये दुनियादारी समाज सोसाइटी लोग क्या कहते हैं, नाक ऊंची रखने के लिए, मतलब लाइक दैट दैट तक यार उसी बातों में वो आ गए होंगे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन उन्हें जब उनका बेटा या बेटी जो कि आपके स्पाउस होंगे उनको समझाएंगे कि आजकल टाइम चेंज हो गया है एंड वो तो आपको कुछ नहीं बोलता या कुछ नहीं बोलते, आप क्यों उसको ऐसा अपनी बातों में लाने की कोशिश कर रहे हो, देखा ना वो घर छोड़ के चला गया या घर छोड़ के चली गई, तो दुनिया वालों की बात आप थोड़ा कम सुनो क्योंकि अभी वो मज़ा ले रहे होंगे समाज सोसाइटी के लोग, क्योंकि हमारा घर टूट रहा है, तो ये सब आप समाज सोसाइटी घर के बाहर ही रखो तो ही ठीक है। तो उनको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, उसके बाद जाके मैं देख पा रही हूँ आपके इन-लॉज बहुत ही प्यार से आपको रखेंगे, आपको कोई ताना नहीं मारेंगे, आपको ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हें समाज सोसाइटी के साथ चलना है, इंटरफेरेंस नहीं होगा उनका, दे विल लव यू, दे विल ट्रस्ट यू, और बहुत पेशेंटली कामली आपसे बात करेंगे, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत स्मूथली आपका फैमिली लाइफ चलेगा। सो गाइस मैं यहाँ पे अगर इन शॉर्ट में आपके इन-लॉज को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि वो लोग एक्चुअल में आपके सोलमेट होंगे, अच्छे इंसान होंगे, लेकिन वो थोड़ा टाइम के लिए रास्ता भटक गए होंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेटिव ने आपके इन-लॉज के ऊपर ब्लैक मैजिक करा होगा, उनके कान भरे होंगे, ऐसा हुआ है गाइस। आई नो कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये ब्लैक मैजिक होता नहीं है, हमने तो देखा नहीं। सो गाइस आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, जो चीज़ आपने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, भगवान जी को भी आपने नहीं देखा है, लेकिन एक भरोसा होता है ना, तो वही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि किसी ना किसी तरीके का काला जादू या फिर कान में कुछ भरना कि देखना वो आएगा या आएगी आपके घर तो सब बदल के रख देगा, अपनी मनमानी करेगा या करेगी, लाइक दैट कुछ ना कुछ हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा बिहेव करेगा आपके ऊपर। लेकिन आपके जो स्पाउस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेच्योर एंड ऑनेस्ट इंसान है, तो मैं यहाँ पे आपको एक ही एडवाइस देना चाहूँगी माय व्यूअर्स कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है उसे आप संभालने की या छुपाने की कोशिश मत करना, ऐसा करोगे तो और प्रॉब्लम में पड़ोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने स्पाउस को इन्वॉल्व करो, उन्हें प्यार से बताओ कि आज ये चीज़ हुआ है, तुम देख लो क्या करना है, कोई चीज़ छुपाना मत, अगर छुपाओगे अपने मन में रखोगे तो आप ही गलत साबित होगी, जहाँ पे कि मैं देख पा रही हूँ आप लोग गलत हो ही नहीं, आप अपनी सोच के मालिक हो, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कोई चीज़ अपने स्पाउस से छुपाना मत, सब कुछ उन्हें बता देना कि आज ये हुआ आज वो हुआ, देखो मैं ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तुम देख लो, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद आपके स्पाउस सब कुछ हैंडल कर लेंगे। प्रूफ रखना, लाइक जब आपके इन-लॉज आपको कुछ बोल रहे हैं तो मोबाइल का रिकॉर्डिंग आप ऑन कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कहीं पे घर पे कैमरा छुपा के रख सकते हो ताकि जो चीज़ें आपके साथ हो रही है उसका प्रूफ आपके साथ हो। हमेशा इमोशन में बह के कभी कोई डिसीजन मत लेना, प्रैक्टिकल होके डिसीजंस लेना। कलयुग है गाइस, ठीक है, बहुत अच्छा होना भी बहुत बुरा होता है, ठीक है। और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ ही रहेगी, आप हमेशा खुश रहोगे, ठीक है। सो गाइस ये था रीडिंग आप लोगों के लिए, तो अगर आप लोगों को मेरी जो रीडिंग्स रहते हैं वो रेजोनेट करते हैं या फिर सिंपली आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है मेरे सारे रीडिंग्स को अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि जो हेल्प आपकी लाइफ में आती रहती है मेरी रीडिंग्स के थ्रू, सेम हेल्प आप लोगों के लव्ड वंस के लाइफ में भी आप लोग लेके आ पाओगे। एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस, हमेशा अपना हेल्थ का ध्यान रखो, अपना खुशियों को इंजॉय करो, पूरी लाइफ को जियो,
एंड लव यू ऑल, थैंक यू, बाय, नमस्ते।